तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विश्वपराय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते महाविष्णुनामे। नमो विश्वपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष सन्यादि पश्चात देश वंशकल्पतृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि कुछ समय शुभ होती है और कुछ समय अशुभ होता है। श्रीमद भागवतम का शरण लेने के लिए कोई समय सब समय शुभ होता है, अशुभ समय शुभ समय ऐसे कुछ समय नहीं है। श्रीमद भागवतम का शरण लेने के लिए सब समय शुभ होता है, बट एस्ट्रोलॉजी में कुछ समय शुभ होता है अशुभ भी होता है। अभी अभी हम भद्र मास से निकल के आ रहे हैं। वो मास का महत्वपूर्णता यह है कि 12 स्कंध 13वां चैप्टर 13वां वर्स में यह है कि जो सज्जन ये भद्र मास स्पेशली भद्र पूर्णिमा पे श्रीमद भागवतम के भेंट करेंगे उनको परम गति जरूर प्राप्त होगी। सो ये है कि इस्कॉन राजकोट की तरफ से और इस्कॉन राजकोट की तरफ से वैष्णव सेवा प्रभु ने संकल्प किया था कि 108 भागवतम से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बहुत आनंद की बात है। श्री श्री राधा नील माधव जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण जी हनुमान जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री प्रहलाद नरसिम्हा, श्रील प्रभुपाद और श्री महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव की आशीर्वाद से वैष्णव सेवा प्रभु ने इस्कॉन राजकोट की तरफ से 200 भागवतम सेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। 210। ये बहुत बहुत आनंद की बात है। ये एकदम फर्स्ट क्लास एग्जांपल है कि हम कैसे भद्र मास को यूज कर सकते हैं और कितना। सो एक उनका ओरिजिनल प्लान था सिर्फ 108 का, बट वो 210 भागवतम से डिस्ट्रीब्यूट किए। ये बहुत आनंद की बात है, बहुत उत्साह की बात है। अभी हम शुरुआत कर रहे ये पुरुषोत्तम मास की। आज दो दिन हो गया, अभी पुरुषोत्तम मास का भी शुरुआत हो रही, हम उसे गुजर रहे हैं। अभी पुरुषोत्तम मास का ये एस्ट्रोलॉजी की बात है कि हमारे ऊपर दो साइकल्स की असर पड़ते हैं। एक है चंद्र वर्ष की और एक है सूर्य वर्ष की। सो 2001 में सिडनी में श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी ने बहुत अच्छा भागवत सप्ताह किया। वो पहले दिन भागवत सप्ताह के पहले दिन उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम मास की क्या सिग्निफिकेंस है, बहुत अच्छे से बताया। आप mahavishnugoswami.com पे जाइए और भागवत सप्ताह पे क्लिक कीजिए और भागवत सप्ताह में 1A लेक्चर आप सुन सकते हैं। उसमें महाराज जी बहुत अच्छा देते हैं कि पुरुषोत्तम मास की क्या सिग्निफिकेंस है। इसमें महाराज जी उस लेक्चर में ये कहते हैं महाराज जी कि ये दो चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष के बीच में और 11 दिन का फर्क होती है। वो 11 दिन फर्क हर 3 साल में वो 1 महीना का ये हो जाता है, 32 मंथ्स और 16 डेज में वो 1 महीना बन जाता है। और सो ये एडजस्ट करने के लिए कॉलेज ने 1 महीना एडिशन किया, उसके लिए आधिक मास कहते हैं। काफी लोग उनको इस महीने को आधिक मास नाम से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मल्ह मास, बिकॉज हर मास में जनरली आप देखेंगे हर एक्टिविटी में कोई ना कोई देवता का इंचार्ज है, कोई ना कोई देवता इंचार्ज है हर महीने में, हर अमर एक्टिविटी में। आप देखिए एक सप्ताह एक वीक
हफ्ता, एक हफ्ता में आप देखिए कि 7 दिन में 7 देवता लोग की एक दिन का चार्ज है। रविवार लीजिए, रविवार में सूर्य देव देव की इंचार्ज है, सोमवार में चंद्रदेव की इंचार्ज, चंद्रदेव इंचार्ज है, और शनिवार के लिए शनिदेव की इंचार्ज, ऐसे 7 दिनों के लिए 7 देवता है। इसी तरह 12 महीने के लिए 12 देवता लोग इंचार्ज है, अलग अलग देवता का अलग अलग महीने के लिए। सो ये जब अधिक मास, ये एडिशनल मंथ जो अधिक मास ऐड हुआ, उस मास के लिए कोई देवता उनके चार्ज में नहीं थे, बिकॉज उनके उसके उनके कोई देवता उनके वो मास के चार्ज में नहीं थे, वो मास अशुभ सोच रहे थे लोग, उसको वो मास को अशुभ कहते थे। सो ये अधिक मास को बहुत ये लगा कि मुझे सब माल मास कहते हैं, मुझे अशुभ कहते हैं। सो उन्हें पुरुषोत्तम के पास, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम के पास, और उनके शरण लेने इच्छा, उनको शरण लिए और बोले पुरुषोत्तम जी से कि माल मास कहते हैं, मेरा कुछ गति है नहीं, मेरा कुछ शरण है नहीं, आप मुझे शरण दीजिए। तो जब उनको पुरुषोत्तम ने, श्री पुरुषोत्तम ने बताया कि ठीक है, हम आपके आपको अभय देंगे, फेयरलेसनेस देंगे, उसके बाद हम आपको आपका आपको शरण देंगे, आप हम हमारा बंधन बन जाए। उस समय से ये अधिक मास या माघ मास को पुरुषोत्तम मास नाम से हम जानते हैं। रामायण में ये कहा है कि राम की तवा अस्मि इति अच्युते, तवा अस्मि अच्युते का मतलब है कि हम आपके हैं और आप हमको शरण दीजिए। रामायण में ये कहा है कि तवा अस्मि इति अच्युते, हम आपके हैं और हम आपके आप हमको शरण दीजिए। महाराज जी इस लेक्चर में कहते हैं कि जब हम ऐसे अप्रोच करते हैं राम जी को, राम कहते हैं कि आप हमारे पास आ रहे, सो इसीलिए हम जरूर आपके शरण देंगे, और जब हम आपको शरण देते हैं जो भी अशुभ है वो सब शुभ बन जाएगा। गीता में भी ये कहा है कि अपिचेत दुराचरो भजते माम अनन्य पर साधु एव समन्यते संयोग योगक्षते ही सह। सो ऐसे कहा है गीता में भी कि जो भी दुराचार है, जब भगवान के पास आते हैं वो सब साधु बन जाते हैं। सो इसी तरह ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास बन गया, और ये बहुत स्पेशल बेनिडिक्शन उनको मिला ये पुरुषोत्तम मास को। पुरुषोत्तम मास का ये स्पेशल बेनिडिक्शन ये है कि जो सज्जन व्यक्ति इस मास में कोई भी चैरिटी, कोई भी दान या कोई भी जाप, हरे कृष्ण कोई मंत्र की जाप, हरे कृष्ण मंत्र या कोई मंत्र के जाप या कोई भी त्याग यज्ञ करते हैं इस मास में, उसकी काफी ज्यादा लाभ होती है, काफी ज्यादा रिजल्ट मिलती है इस मास में। नॉर्मली वो जो रिजल्ट मिलते हैं उससे काफी ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं इस मास में। सो ये इस मास का स्पेशल सर्टिफिकेट है, और ये अच्छी बात है कि इस मास में हम भागवत का आज शरण ले रहे हैं, और हमको ये सेवा मिल रही है कि भागवत के ऊपर कुछ बातें कुछ बोलें। सो पिछली बार हम जब इस संघ में आए, हमने बताया एक स्कंद 12वां चैप्टर 6 वर्स 1:12:6, हमने देखा कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि विभिन्न तरह के लोग हैं, और वो विभिन्न तरह के लोग में ज्यादा से ज्यादा 2 तरह के लोग होते हैं। एक है जो सिर्फ इंद्र तृप्ति से आनंद मिलती है, और दूसरा है जो सिर्फ भगवान की सेवा में आनंद लेते हैं। एक है इंद्र तृप्ति से आनंद लेते हैं, और दूसरा है जो भगवान की सेवा में सिर्फ भगवान की सेवा में आनंद लेते हैं। ये वर्स स्पेशली
युधिष्ठिर महाराज के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के पास इतना धन दौलत ऐश्वर्य सब था, बट वो सब रहने से भी उनको आनंद नहीं मिलती थी उससे। उनको सिर्फ आनंद मिलती थी जब उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिला सेवा करने के लिए, वही बात है। सो आज हम देखेंगे कि आज का टॉपिक उससे हम उस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ रहे हैं कि आज का टॉपिक है कि भागवतम हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं जैसे हम उनको अप्रोच करते हैं। जैसे हम भागवतम को अप्रोच करते हैं उसी तरह उनका रेसिप्रोकेशन उसी तरह होती है। सो पहले रेसिप्रोकेशन है, भागवतम को कंपेयर करते हैं दिया या लैंप की कंपैरिजन देते हैं। पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आचार्य, जो हमारे परंपरा में आचार्य हैं, उन्होंने ये पांच दर्शन या रूप भागवतम की कंपैरिजन की है और हम आज उस पर चर्चा करेंगे। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि पहले दर्शन भागवतम या पहले रूप हमको भागवतम रेसिप्रोकेट करते हैं जैसे दिया जैसे। आप देखिए अंधेरा कमरा में, जब कमरा अंधेरा है, वो अंधेरा कमरा में आप जब एक दिया क्या कहते हैं जलाते हैं, वो आप देखिए वो कुछ रोशनी उसमें वो कमरा में फैलती है। जब आप दिया जलाते हैं अंधेरा कमरे में कुछ रोशनी फैलती है और सिर्फ उतना रोशनी फैलती है जितने में हम एक दूसरे में नहीं टकराएं और एक चीज से दूसरे चीज नहीं टकराएं, सिर्फ उतना रोशनी। सो ज्यादा उतना रोशन नहीं होते, थोड़ा रोशनी फैलती है बट उतना ज्यादा ब्राइटनेस है। जब हम भागवतम को, जब हमारे पास सिर्फ जनरल नॉलेज होती है भागवतम की, हाँ भागवत एक पुराण है, भागवत पुराण बहुत एक पुराण है और ये उसमें कुछ कृष्णा का लीला है और उसमें कुछ अलग अलग कृष्णा और उनके भक्त के लीला, एक है गुरुद्रुम महाराज का लीला है, एक प्रहलाद महाराज का लीला है और एक गजेंद्र का लीला है, ऐसे हाँ कुछ है और उसमें कुछ अच्छा विचार भी है, ऐसे कुछ जनरल नॉलेज जब हमारे पास है उस समय उससे ज्यादा हमारा कुछ, हम उसका ज्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते भागवतम से, तब भागवतम हमारे लिए दिया जैसा बन गया। मेरा एक एक्सपीरियंस था, मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, हम महाराज जी के साथ एक बार बैठे थे और एक सज्जन आए और महाराज जी कैसे बोले, महाराज जी हमारे पास जब प्रभुपाद जी पहले आए थे, जब प्रभुपाद जी पहले आए थे वो हमारे पास ठहरे थे कुछ दिनों के लिए, हमारे पास ठहरे थे, हमारे पास काफी संग हुए उनके साथ प्रभुपाद जी के साथ, और प्रभुपाद जी ने एक भागवतम सेट हमारे पास दिए, एक भागवतम सेट हमारे पास, और वो भागवतम सेट पूरा, आजकल हमारा भागवतम सेट 18 वॉल्यूम के होती है, बड़े बड़े हुए उस समय वो छोटे वॉल्यूम थे, वो 40 या 45 वॉल्यूम की भागवतम सेट, वो छोटे छोटे थे, वो बहुत अच्छी बहुत हैंडी पर्स में भी डाल के लेके जा सकते थे, उस तरह भागवतम सेट उस समय उन लोग प्रिंट करते थे। सो ये सज्जन ने बताया कि ये सज्जन बताया कि उनके साथ काफी संग हुआ प्रभुपाद जी से, वो प्रभुपाद उनके पास ठहरे थे वगैरह। सो महाराज जी ने कहा कि अरे ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत कितना, आप कितना लकी हो, आपको कितना ये कि आपको प्रभुपाद की संग है। हाँ हम तो बहुत बहुत लकी है ऐसे सब बोल के, उसके बाद कुछ समय के बाद उन्होंने कहा कि महाराज जी ये भागवतम से जो प्रभुपाद दिए ना आप रख लीजिए, बिकॉज मेरे पास कुछ उसके उपयोग नहीं है, देख लीजिए प्रभुपाद। सो महाराज जी ने पूछा आप प्रभुपाद जी के संग लिए तो है, आप प्रभुपाद जी ने आपको ये भागवतम से दिए, क्यों आपको आप अभी नहीं पढ़ सकते? नहीं मुझे उम्र हो गया, अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ता हूँ ऐसे, ठीक है आप रख लीजिए, आपके आप
कुछ कुछ कर सकते हैं, मंदिर से कुछ आप बांट कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप कर कीजिए, बट आप कीजिए तो रब, बिकॉज मुझे तो कुछ. सो वो सचिन के लिए बाकसम सिर्फ एक दिया जैसा था, उसको थोड़ा कुछ उपयोग हुआ बट उसे ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते थे बाकसम से. दूसरी क्या कंपैरिजन जो होता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी आचार्य अपने आचार्य कहते हैं कि बाकसम सूर्य से कंपेयर करते हैं. सूर्य से कंपेयर करने का मतलब यह है कि जब आप देखिए, जब सूर्य उदय होते हैं वो सिर्फ एक कमरा नहीं बट एक पूरा शहर, एक पूरा क्या कहते हैं, पूरा सिटी या पूरा शहर या पूरा कंट्री या पूरा एरिया, बहुत बड़ा एरिया उसको रोशनी देती है, रोशनी देती है. और ये भी होता है कि जो अंधकार था वो जो पहला जो उसको अंधकार को मिटा देते हैं. सो दो एक अंधकार को मिटा देते हैं, सूर्य जब उठते हैं उदय होते हैं अंधकार को मिटा देते हैं, और दूसरा है कि रोशनी है पूरा फैलती है, पूरा देश में पूरा एरिया में रोशनी फैलती है. और एक बात है वो गर्मी हीट देते हैं, गर्मी देते हैं. गर्मी देते हैं. सो तीन होते हैं, अंधकार मिट जाती है, रोशनी फैलती है और गर्मी आती है. सो सूर्य जब हम भागवतम से जब हम भागवतम के शरण लेते हैं, जब हम भागवतम सुनते हैं, जब हम भागवतम पढ़ते हैं, जब हम भागवतम पे विचार करते हैं, भागवतम का जो शब्द है उसके उस पे विचार करते हैं, हम वो सूर्य जैसे हमारा अंधकार, जो अंधकार है हमारे अंदर वो सब निकल जाता है और रोशनी हमारे आत्मा हमारे हृदय में रोशनी फैलती है और आध्यात्मिक वातावरण फैलता है, सब जगह में आध्यात्मिक वातावरण फैलता है. सो इसीलिए भागवतम को कंपेयर करते सूर्य. सो थोड़ा एडवांस स्टेज भागवतम का संग लेने से सूर्य जैसे लगता है. तीसरी कंपैरिजन करते हैं भागवतम की मोहिनी मूर्ति से. हम सब जानते हैं मोहिनी मूर्ति लीला जो भागवतम में भी दिया हुआ है. जब असुर और देवता लोग लड़ाई में लगे हुए थे, उन लोग ने असुर लोग जीत रहे थे, उस समय देवता लोग ने गया और वैकुंठ गए और बताया भगवान से कि प्रभु ये असुर लोग अभी जीत रहे, हमें क्या करना चाहिए. सो प्रभु ने कहा कि भाई ऐसे करो कि आप तो असुर के साथ थोड़ा सा समझौता करो, थोड़ा यू नो पार्टनरशिप करो, और पार्टनरशिप करके ये समुद्र का मंदारा पर्वत के सहायता से और वासुकी के सहायता से आप इसको वो चर्निंग करो, और चर्निंग करते करते आपको अमृत मिलेगा. जब आप अमृत मिलेगा वो आप अमृत लीजिए, और अमृत लेने से आपको जीत प्राप्त होगी. सो देवता ने लोगों को किया, बट जब वो अमृत आया असुर लोग ने उसको लेके भाग गए, लोग लेके चले गए, लेके चल रहे थे. उस समय भगवान मोहिनी मूर्त रूप में आए और वो असुर लोग को बोला, भाई देखो असी असुरों का ये बात है कि वो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, विश्वास नहीं करते. असुर लोग एक दूसरे को विश्वास नहीं करते. सो वो उनमें वो लड़ाई शुरू हो गई कि अमृत कौन बांटेगा. उन लोग ट्रस्ट नहीं करते, उनको ये पता नहीं कब कुछ सबको इक्वल शेयर मिलेगा कि नहीं, ऐसे कुछ उनको ट्रस्ट नहीं था, विश्वास नहीं था. सो उन्होंने बताया कि देखो थिंग. सो मोहिनी मूर्ति मोहिनी जी आई और बताया कि भाई
आप हमको अमृत दे दो, हम आपको सब हम तो आप जानते हैं हम बहुत फेयर हैं, सो एंड इन लोग तो विश्वास किए उनके सब मोहिनी से, उनके सुंदरता देखते हैं और उनके सुंदरता देखते ही उन पे विश्वास किया कि वो ये एकदम फेयर है और एकदम सबको इक्वली बांटेंगे। तो इसी उस तरह वो अमृत असुर से ले लिया और देवता लोग को बांटने का शुरू कर दिया। अभी देवता लोग बांटने का शुरू कर दिया, तो ये असुर लोग बोल रहे थे, आप बोल रहे थे हमको बांटेंगे, आप उनको क्यों बांट रहे ऐसे, वो नहीं बोला नहीं नहीं आप चाहिए हम सबको बांटेंगे, आपको भी बांटेंगे बट उनसे पहला शुरू करेंगे, आपको भी मिलेगा जरूर आपको। पर उनका सुंदरता देखते ही देखते ही वो लोग काफी शांति और टॉलरेंट रहे। ऐसे होते होते मोहिनी रूप ने सब क्या कहते हैं अमृता सबको बांट लिया, सब देवता लोग को बांट लिया और कुछ अमृत बाकी नहीं था अशुभ लोग के लिए। अभी ये लीला भागवतम से क्या संबंध है? जब हम भागवतम को सिर्फ बिना विश्वास या बिना कॉन्फिडेंस हम भागवतम को अप्रोच करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आचार्य कहते हैं कि भागवतम अलग अंडरस्टैंडिंग देते हैं उस तरह के सज्जन लोग को जो भागवतम में विश्वास नहीं रखते हैं, भागवतम में वो सिंसियरिटी जब भागवतम पढ़ते हैं उसमें थोड़ा ह्यूमिलिटी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, उस समय उनको अलग अलग ज्ञान मिलती है भागवतम से। पूरा क्या कहते हैं उनका उनका पूरा फल जो भागवतम का फल है गलितम फल वो जो है भागवतम का वो नहीं मिलती उनको। इसीलिए भागवतम को मोहिनी मूर्ति के उसको कंपैरिजन किया। तीसरी बात है, अभी चौथी बात ऐसे है कि भागवतम में चौथी बात ये है कि भागवतम में अभी हम तीन रूप देखे हैं भागवतम। एक है दिया जो एक छोटी कमरा में थोड़ा रोशनी फैलती है बट उससे ज्यादा कुछ लाभ नहीं मिल सकते भागवतम से और उसको भागवतम हमारे दिया बन जाता है। जब हम ज्यादा पढ़ते हैं सुनते हैं और विचार करते हैं भागवतम सूर्य जैसे हमारा अंधकार निकाल देते हैं, हमारे अंदर से अंधकार निकालते हैं, हमारे में रोशनी फैलती है और आध्यात्मिक वातावरण को एस्टैब्लिश करते हैं स्पिरिचुअल कल्चर को। उससे ज्यादा उसे सपोज हम अलग हम बिना सिंसियरिटी या ह्यूमिलिटी से हम भागवतम को अप्रोच करेंगे तो भागवतम हमको मोहिनी मूर्ति के रूप में दर्शन देगा और उसमें हमको पूरा फल नहीं मिलेगा जो भागवतम का फल है वो गलतम फल। ये चौथा जो है रूप या दर्शन जो भागवतम देते हैं हमको श्रीमद् भागवतम वो फल है कल्पवृक्ष। हम सब जानते हैं कि कल्पवृक्ष है डिजायर गिविंग ट्री, उसको डिजायर गिविंग ट्री कहते हैं कल्पवृक्ष, कि जो भी हमारा इच्छा है वो हमको हमारी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, जो भी हमारी इच्छाएं है वो हमारे इच्छा को पूरा कर सकते हैं। हो है कल्पवृक्ष। अभी भागवतम से ये क्या रिश्ता है, भागवतम कैसे कल्पवृक्ष? आप देखिए भागवतम में 10 टॉपिक है, वो अगली बार वो डिस्कस सकते हैं भागवतम का 10 टॉपिक और एक सब्जेक्ट टॉपिक है जो 5 तरह के कॉन्शियसनेस है अनमाया मनोमाया प्राणमाया ऐसे 5 तरह के कॉन्शियसनेस में भी है, वो अगली बार हम डिस्कस कर सकते हैं। बट आप देखिए
डिपेंडिंग ऑन आर कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस हमारा है और जो हम भागवतम इज आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, सो जो हमारा के पास जो प्रश्न है वो उत्तर भागवतम से मिल सकते हैं। सो भागवतम में काफी टॉपिक्स है, भागवतम में पॉलिटिक्स की बात है, एम्बिशन की बात है। आप देखिए ध्रुव महाराज की लीला देखिए, ध्रुव महाराज उनको इतना इतना क्रोध था, इतना ये था, डर था कि इतना उनके पिताजी के ऊपर कि उनको एक किंगडम उनसे ग्रैंडफादर के उनके दादा के ज्यादा बड़े किंगडम चाहिए था उनको। सो उन्होंने देखा कि उन्होंने गया और उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि मुझे कैसे कृष्ण प्राप्त हो गया, और नारद मुनि ने बताया उनको कृष्ण के दर्शन मिला, और दर्शन मिलते ही उन्होंने देखा कि ये एम्बिशन क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं। इसी तरह भागवतम में कॉम्पिटिटिवनेस की चर्चा होती है, ऋषु महाराज और इंद्रा की, सिर्फ इंद्रा 100 यज्ञ किए थे और पृथु महाराज 99 यज्ञ किया था, और जब 100 यज्ञ कर रहे थे इंद्रा उनको यज्ञ स्टॉप कर रहे थे, और उसका क्या असर हुआ, क्या कैसे वो समझौता हो, इसके बाद भागवतम हमको बताते हैं। सो एम्बिशन या कॉम्पिटिटिवनेस या ऐसे जो भी है, या सपोज हमारे पास प्रहलाद महाराज के विषय में हम देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज में उनको कितना तकलीफ घर में था, कितना उनके पिताजी उनको कितना प्रॉब्लम्स दे रहे थे, बट उसमें भी प्रहलाद महाराज एकदम शांति थे, एकदम शांति से वो अपने साधना कर रहे थे, अपने भगवान के स्मरण कर रहे थे। सो कैसे जब घर का वातावरण ठीक नहीं है उसमें भी कैसे शांति रहने के लिए वो भागवतम बताते हैं। सो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग विचार है, और उस फिलोसफिकल टॉपिक्स भी है कि क्रिएशन कैसी हुई और टाइम का कैसे। अभी देखिए मायापुर में हम एक मायापुर में सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, वो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटेरियम उसको नाम दिया हुआ है। उसमें सब अपने अपने क्या कहते हैं वो प्लैनेट्स का अरेंजमेंट कैसे है, वो भागवतम से लेके उन लोग सब प्लैनेट्स का पाताल लोक से ब्रह्म लोक तपलोक तक कैसे वो अरेंजमेंट भागवतम में कैसे दिया है अपने प्लैनेटरी सिस्टम का, वो मंदिर में आपको दर्शन मिलेगी। अभी वो 2022 में होपफुली वो कंप्लीट हो जाएगा। सो हो जाएगा तो हमको सब उस दर्शन मिलेगा कि भागवतम के क्या विचार है कि प्लैनेटरी सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज है। और ये भी है कि ये भी कह रहे लोग कह रहे हैं कि वो मंदिर बनने के बाद मायापुर सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा, क्योंकि सब जो भी साइंटिफिक लोग है पूरा दुनिया से जो भी साइंटिफिक जो भी एस्ट्रोनॉमी जो भी ये बड़े बड़े नोबेल प्राइज लोग हैं वो सब मायापुर आएंगे भागवतम के तरफ से। ये प्लैनेट सिस्टम सोलर सिस्टम या प्लैनेटरी सिस्टम कैसे चल रहा है वो देखने के लिए और उसका डिस्कशन चर्चा करने के लिए। सो भागवतम में वो भी टॉपिक है कि प्लैनेटरी सिस्टम कैसा है, कैसे वो भी टॉपिक है भागवतम में। सो ये कल्प वृक्ष कैसे कंपेयर कर सकते हैं भागवतम के लिए, कल्प वृक्ष ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि भागवतम में हमारा जो भी क्या क्वेश्चंस है, जो भी प्रश्न है उसके उत्तर मिल सकते हैं भागवतम से। इसीलिए भागवतम में कहा है भागवतम इज आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा हमको कि भागवतम इज नॉट जस्ट अ सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। भागवतम इज नॉट अ सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, वो सिर्फ प्रश्न और उत्तर की बात नहीं भागवतम में। भागवतम उससे ज्यादा कुछ दे सकता है भागवतम। सो हम पांचवा इसमें आते हैं कि भागवतम में ओ गलितम फलम,
गलितम फलम मीन्स राइपन फ्रूट, राइपन फ्रूट गलितम फलम। आप देखिए जब हम कुछ आम का, ऑफ कोर्स वो आम सबसे अच्छा एग्जांपल है बिकॉज सबको वो आम का सीजन में सबको आम अच्छा लगता है। जब आप पूरा जो गलितम पूरा राइप आम लेते हैं फल, पूरा गलितम फल लेते हैं उस समय आप देखिए उसमें कितना आनंद मिलती है, कितना रुचि है, कितना आनंद मिलती है। एकदम अनस्या हमारे सामने बैठी है और उनको सिर्फ उसके सोच में, उनके सोच में ही उनको आनंद मिल रही है। वो अभी अभी तक अभी अभी तो सीजन भी नहीं है और आम की, बट आम की, आम की सिर्फ आम की बात ही बोलने से सबको सबको मुस्कुरा शुरू करते हैं। सो ये भी है कि सो भागवतम इस तरह की उसको कंपेयर करते हैं गलितम फलम दो विचार से। एक है कि व्यासदेव ने सब, व्यासदेव ने सब उपनिषद वेदा सब कंपाइल करके पुराना ऐसे महाभारत ऐसे सब करके करते करते सब उनको करते हुए भी उनको आनंद नहीं मिला, उनको वो काफी डिस्पॉन्डेंट डिप्रेस था। सो व्यासदेव ने जब वो काफी डिस्पॉन्डेंट थे, काफी उदास थे कि मैं इतना इतना किया लोग के लिए लाभ, जनरल पब्लिक के लाभ के लिए इतना किया, इतना क्या कहते हैं पुराना उपनिषद सब लिख के सब कंपाइल करके दिया, ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र भी किया, बट उससे कोई, बट उसमें सब धर्म अर्थ काम मोक्ष दिया, बट कोई सब लोग धर्म करते हैं अर्थ का अर्थ लेते हैं उसे और काम लगा हुआ लगाते हैं, बट कोई मोक्ष के पीछे भागते नहीं। सो उनको कोई काफी उदास थे कि क्या मैंने क्या गलत की, क्या गलती की इसमें। सो उस समय उनके गुरु नारद मुनि आते हैं और बोले प्रभु आप आपने सब किया बट एक काम नहीं किया आपने। वो ठाकुर, वो श्री कृष्ण भगवान की महिमा और उनके लीला के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, आपने कुछ उनका उनका डिवोटीज के उनके जो डिवोटीज के साथ जो उनका लीला होती है वो कुछ नहीं आप बताया। आप कुछ रेफरेंस कर सकते हैं बट वो सीधा नहीं बताया, वो एकदम विन होते हैं। सो उस इंस्ट्रक्शन देने के बाद व्यासदेव ने फिर समाधि में बैठा और सोचने के बाद उन्होंने श्रीमद भागवतम का कंपाइलेशन किया। सो ये है उनका उनका मैच्योरिटी में, प्रभुपाद कहते हैं उनका मैच्योरिटी में श्रीमद भागवतम उन्होंने व्यासदेव ने कंपाइल किया और इसीलिए फ्रॉम द बिगनिंग शुरुआत से अंत तक भागवतम में और कुछ शब्द और कुछ बात का डिस्कशन नहीं होती, सिर्फ भगवान की महिमा और उनके डिवोटीज की महिमा की चर्चा होती है। सो भागवतम का क्या फल है? जब हम भागवतम हम श्रवण करते हैं, पठान करते हैं और भागवतम के ऊपर विचार करते हैं, तो ये तीन करने से भक्त्या माम विमुच्यता, विमुच्यता का मतलब इमीजिएटली, इमीजिएटली भक्त्या, भक्त्या में हमारा जो भक्ति का जो है अंदर हृदय में जो है उसको वो उधर फ्रक्टिफाई हो जाता है। हिंदी में क्या पता है वो, बट इट इज वो फ्रक्टिफाई हो जाता है, वो उदय उदय होता है, इट राइजेस इन आवर हार्ट भागवतम से, वो फल है। महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी कृष्ण कृपा मूर्ति श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी गुरुदेव की ये कहना है कि भागवतम की पढ़ाई से, भागवतम की शरण लेने से हमको दो ये होती है। एक हमको पता लगता है कि शारण्य कौन है, शारण्य का मतलब है आप शारण्य का मतलब है कि ऑब्जेक्ट दैट इज वर्दी ऑफ वर्शिप। इन अदर वर्ड्स हम काफी लोग वर्शिप करते हैं आजकल, अमिताभ बच्चन को वर्शिप करते हैं या सुनील गावस्कर को वर्शिप करते हैं सबका। एक बार तमिलनाडु में हमने देखा कि खुशबू के लिए भी एक मंदिर बना हुआ था
एक अमिताभ बच्चन के लिए भी मना, रजनीकांत के लिए भी मंदिर बनाते हैं लोग। सो ऐसे कुछ हम काफी लोग को हम उनको शारण्य स्थान देते हैं। बट शारण्य सिर्फ एक ही पर्सन के लिए, एक ही पर्सन को दे सकते हैं, वो है द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। सुप्रीम सिर्फ एक ही पर्सन के लिए वो शारण्य देख सकते हैं। सो वो है श्री कृष्ण। सो भागवतम से हमको ये ज्ञान आती है कि हम एक ही पर्सन से शारण्य, एक ही तो महाराज जी कहते हैं कि एक ही पर्सन से, भारत जी कहते हैं कि हमको ये ज्ञान आते हैं कि किस को शारण्य कर सकते हैं। और दूसरी ज्ञान ये भी है कि हम कैसे शरण लेते हैं। एक है शारण्य और दूसरा है शरण। सो शारण्य को हुज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, और शरण है हाउ टू सरेंडर टू द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। ये दोनों हमको भागवतम, ये है गलतम फलम भागवतम की, गलतम फलम। सो ये दो बात। सो जब हम श्रीमन सुपटान और विचार करते हैं भागवतम में, ये दो बात हमको आती है, ये फल मिलती है भागवतम। सो ये वर्स है श्रीमद्भागवतम पुराणम अवलम यद् वैशावानम प्रियम परमहंसम अमलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान वैराग्य भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम तत्शुन्वन् सुपटान विचारणो परो भक्त्याम विमोचिना नरः। ये अगेन श्रीमद्भागवतम पुराणम अमलम यद् वैष्णवानम प्रियम यस्मिन् परमहंसम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान वैराग्य भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम तत्शुन्वन् सुपटान विचारणो परो भक्त्या विमुचेन नरः। सो कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन आपको पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम इज अ स्पॉटलेस पुराण, इट इज द मोस्ट डियर टू द वैष्णवास बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द प्योर एंड सुप्रीम नॉलेज ऑफ द परमहंसास। दिस भागवतम रिवील्स द मींस, रिवील्स द मींस फॉर बिकमिंग फ्री फ्रॉम ऑल मेटीरियल वर्क टुगेदर विद द प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज रेनन्सिएशन एंड डिवोशन। Anyone who seriously tries to understand Srimad Bhagavatam, who properly hears and chants it with devotion, becomes completely liberated. Ye 12th skanda 13th chapter 18th shlok ye hai, Maharaj ji ke kafi favorite verse hai. So ye hai Srimad Bhagavatam ke phalam, galitam phalam, ki hum jab shrunan karte hain bhagavatam ki, जब हम सुपठान करते हैं भागवतम की, श्रीमद् भागवतम जी की, और जब हम विचार करते हैं उनके विचार, उनके शब्द में, श्रीमद् भागवतम के शब्द में हमको भक्तिया माँ विमोचे था। सो ये है पांच रूप भागवतम, पांच तरह भागवतम हमको दर्शन देते हैं। एक है दिया, एक है सूर्य, एक है मोहिनी मूर्ति, एक है कल्पवृक्ष और एक है गलितम फलम। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कंपैरिजन है। और इस पुरुषोत्तम मास में ये हम इसको भागवतम की शरण लेके पूरा उसको एडवांटेज ले सकते हैं। एंड जब एडवांटेज लेते हैं पुरुषोत्तम मास में, हमको काफी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। इसमें हम एक छोटी से 15 मिनट से एक महाराज की वैष्णव सेवा, प्रभु ने बलराम जी ने बलराम प्रभु ने वैष्णव सेवा प्रभु को भेजा, और बलराम वैष्णव सेवा प्रभु हमसे हमको सब इसको शेयर किया। आपके परमिशन से हम थोड़ा महाराज जी के
सुनेंगे कि ये पुरुषोत्तम मास में हम कैसे शरण ले और क्या शरण ले। सो आप थोड़ा सुन लीजिए। So, ये महाराज जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास कैसे हम कैसे हम बीत सकते हैं। अभी आप ये सोच लीजिए। और हरे कृष्ण प्रभु जी, वैष्णव प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे कृष्ण प्रभु। तो फिर इन शॉर्ट आप ये बताना चाहते हैं कि भी नो डाउट हमारे जीवन में रोज सभी अलग तरह के उत्सव आते हैं, तिथि आते हैं, विशेष दिन आते हैं, उसी तरह पुरुषोत्तम मास है। लेकिन आप इसी बात पे वापस जोर देना चाहते हैं कि जैसे शास्त्र में कहा है कि खाली पुरुषोत्तम मास 3 साल के बाद आ रहा है, इसका महत्व है, लेकिन इसका खाली इतना महत्व इतना नहीं होना चाहिए। महाराज बता रहे कि जिस तरह भागवत सप्ताह रहता है, वो कुछ लोग हफ्ते में 7 दिन मनाते, लेकिन महाराज बोलते वो नहीं, प्रभुपाद ने कहा है। प्रभुपाद ने कहा है नित्यम भागवत सेवा, रोज भागवत। तो जरा इस बात पे आप जरा समझाए कि शास्त्र, गुरु और साधु इसको किस दृष्टिकोण से देखते। कोई भी पुरुषोत्तम मास हो कि कार्तिक मास हो कि हमारे जीवन में रोज साल में बहुत बड़े उत्सव आते रहते हैं, लेकिन महाराज बोलते कि उत्सव का दिन महत्व का नहीं, लेकिन उत्सव के दूसरे दिन मंगलाती उठना ही महत्व का है, महाराज बोलते थे। सही बात। एक्चुअली वो आप जो
मुझे वो याद हाँ नहीं, मुझे याद आती है वो राजकोट में एक दिन हम लोग रथ यात्रा के, जब भी हम रथ जब यात्रा कर राजकोट में, नेक्स्ट दिन महाराज पहले मंगलारती पे पहुंच जाते थे और देखते कि कौन कौन मंगलारती पे है वो सब जो भी, वो ही सेड महाराज काफी कहते थे कि इट इज नॉट ऑन द डे ऑफ रथ यात्रा बट द डे आफ्टर रथ यात्रा इज द एक्चुअल डिवोशनल सर्विस। यस जी सही नहीं आप बताइए, नहीं आपने तो सर फिर सही कहा, आप बताइए आप। नहीं वही आप इस बात पे थोड़ा प्रकाश डालिए, मैं यही बताना चाहता हूँ, आप बताइए। आप बता सकते हैं प्रभु, आप तो ये जो आप कह रहे हैं वो सच्ची बात है कि ये भागत नष्ट प्रेषु अभद्रेशु नित्यम भागत सेवाया। वो सेकंड क्या वो भागवत में कहा है कि नित्यम भागत सेवाया। वो नित्यम का कभी कभी वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं ऑलवेज, आई मीन आई थिंक सो इट्स नॉट, बट उसका मतलब है वो ऑलवेज कैसे, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम जब हम कनिष्ठ अधिकारी हैं हमको कुछ चाहिए, कुछ वो गोल चाहिए, कुछ कुछ उत्साह करने के लिए हमको, बिकॉज हमको तो कुछ अट्रैक्शन है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ना ये क्या व्हाट इज दैट सेकंड वर्स का व्हाट इज दैट आई एम ट्राइंग टू नाम रिमेम्बर, नाम सिक्स नामकारी भोजन जो नाम सर्वशक्ति नहीं नामकारी बहुत सर्वशक्ति। सो उसमें अत्रापिता चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमारा पास कुछ उत्साह कुछ अट्रैक्शन है चैंटिंग के लिए, कुछ अट्रैक्शन जो इसीलिए ये स्पेशल ओकेशंस होती है, ये जन्माष्टमी या फेस्टिवल्स होती है, थोड़ा थोड़ा हमारा अट्रैक्शन को उत्साह उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए। बट भागवतम तो कहा है कि नष्ट प्रेष अभद्रेश, जो अभद्रेश है हमारे इसमें जो अभद्रेश नष्ट नष्ट करने के लिए नित्यम भागवत सेवा है। भागवत का दो तरह के भागवत होते हैं, एक भागवत बुक भागवत और एक है डिवोटी भागवत। दोनों भागवत का सेवा करनी है और नित्यम नित्यम का मतलब है कि हम ऑलवेज, ये नहीं कि एक दिन हम 12 घंटा सेवा करते हैं और 10 के लिए हम सो जाते हैं, ऐसे नहीं। हर दिन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सर्विस हम करना चाहिए। इसीलिए इसलिए प्रभुपाद जी हमको बताया कि आप रोज मंगलारती पे रोज मंगलारती करो और उसके बाद क्या एटलीस्ट मिनिमम प्रभुपाद कहते हैं मिनिमम 16 राउंड चांट कीजिए प्लीज। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे वो कहते थे कि अनलेस यू चांट 64 राउंड अ डे यू आर नॉट अ डिवोटी, भक्ति सिद्धांत हमारे। जब प्रभुपाद जी आए और देखा वो बोला पहले पहले डिवोटीज को बोला यू हैव टू चांट 64 राउंड अ डे, वो लोग बोला अरे प्रभुपाद जी ऐसे कैसे हो सकते हैं, हमारा पास इतना सेवा है, ये भी है वो भी है, हम कैसे ये 64 राउंड शान कर सकते हैं, तो समय नहीं है। अच्छा प्रभुपाद ने बताया कि एटलीस्ट अच्छा 32 राउंड आप चांट कीजिएगा। सो 32 राउंड उन लोग बड़े प्रभुपाद जी 32 राउंड भी काफी मुश्किल है बिकॉज हम लोग का इतना एक सेवा है ये भी करना है। देन प्रभुपाद जी 2 मिनट के लिए सोचा बोला कि प्लीज एटलीस्ट मिनिमम थोड़ा 16 राउंड कीजिए, मिनिमम 16 राउंड कीजिए उससे। अभी आश्चर्य है कि ये इम्पोर्टेंस है कि वो मिनिमम 16 राउंड वो प्रभु सो कुछ कोई कह सकता है कि भाई नहीं भक्ति सरना सरस्वती ठाकुर ने बोला 16, बट प्रभुपाद ने हमको बना दिया बाय सेइंग मिनिमम 16 राउंड कीजिए। सो लास्ट टाइम आपने बताया कि महाराज जी का कहा कि हम लोग CBS फॉलो करनी है, that is we have to cooperate with the Lord, follow the Brahminical principles and follow that strictly. So जब हम वो regularly हम नित्यम करते हैं, so तब हमको भागवतम के कहते हैं गलितम फलम मिल सकती है, हमको वो experience हो सकती है। वो आप कुछ इसको हरे कृष्णा भाई, हरे मैं कृष्णा वही बात है कि भगवद गीता में कहा है कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, इसमें सतत हर एक चीज सतत करनी है। हम देखते हैं कि शास्त्र में वही बात बताइए, जो गुरु है वही करते हैं और हमको बताते हैं साधु है वैष्णव है वही चीज को सतत पालन करते हैं जीवन में। जैसे मैं कल कल के प्रवचन में देखा मैंने प्रभु जी ने उस गोदम प्रभु बताया कि ये जो आध्यात्मिक प्रोसेस है हमारे शुद्धिकरण के लिए है। हम दूसरा देह कुछ नहीं पकड़ना चाहिए उसमें, दूसरा देह अपने आप मिल जाता है। हमारा हमारा शुद्धिकरण हो जाए
वही आध्यात्मिक, उसके लिए हमारा आध्यात्मिक जीवन है। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ईश्वर आपकी सेवा हम लेते रहेंगे, और कल हमारे साथ शाम को 6 बजे जुड़ जाएंगे सूरत कृष्ण प्रभु न्यूजीलैंड से, और उनका विषय है अवर स्पीच अ फेटल वेपन, हमारी वाणी एक घातक हथियार, हमारे हमारी वाणी है एक घातक शस्त्र है, हथियार है। तो इस बारे में हम ज्यादा जानने के लिए कल वापिस शाम को 6 बजे मिलेंगे, और सभी को बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग लगभग भागवतम का आखिरी दिन था, ये भद्र पूर्णिमा भद्र मास का, तो अभी हम जस्ट मैंने बताया पुण्य प्रभु को कि भी हम जो हमने 11 की अपेक्षा की थी कि भी 11-15 तक हम लोग वितरण कर पाएंगे, लेकिन महाराज की कृपा से, राधा निर्माता की कृपा से और आपके सभी लोगों के सहयोग से हमने आज 210 का आंकड़ा पार किया है, और अभी भी एक दो बुकिंग आ रहे, तो हम शायद मैं देवकी ने सलाह लेके शायद मैं ये जो डिस्काउंट है 1 हफ्ता अथवा 2 हफ्ता में ज्यादा एक्सटेंड करना चाहता हूँ। आज अथवा कल हम लोग मैसेज डाल देंगे, क्योंकि अभी भी कुछ भक्त इसका आध्यात्मिक फायदा उठाना चाहते हैं, तो हम जरूर कोशिश करेंगे इसके लिए। तो 210 का आंकड़ा अभी प्रॉपर 210 का आंकड़ा हमने पार कर दिया है, तो आज से पुरुषोत्तम मास भी शुरू हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आप भी पुरुषोत्तम मास भी पवित्र मास है, तो अधिक मास उसको बोलते हैं, अधिक जीवन में हमारे जीवन में कुछ अधिक अधिक में प्लस करने का प्रयत्न करना चाहिए, और वो प्लस अगर हम हमारे घर में भागवतम बिठाएंगे अथवा भागवतम को स्थान देंगे अथवा दूसरों को हम प्रोत्साहित करेंगे भागवतम के लिए, तो उसके जैसा हमारे जीवन में अधिक मास का महत्व दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णेंद्र प्रभु, वापिस हम लोग मिलेंगे, आपकी सेवा वापिस लेते रहेंगे, और कल हम वापिस शाम को 6 बजे मिलेंगे सूरत कृष्ण प्रभु, हमारी वाणी एक घातक हथियार ये विषय लेके हम आपसे जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, पूर्णेंद्र प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण प्रभु। एक बात कहनी है प्रभु, बोलिए बोलिए। वैष्णव सेवा प्रभु ने जो कहा है वो ये भद्र मास अभी हुआ नहीं, अभी ये अधिक मास शुरू हुआ, सो अभी भी सेवा की अपॉर्चुनिटी है, 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 है। अभी एक पूरा महीना भी अभी सेवा की अपॉर्चुनिटी है, यस बिकॉज़ ये जैसे सेवा प्रभु ने कहा कि अधिक मास है, सो थोड़ा अधिक सेवा की अपॉर्चुनिटी है कि भागवतम आपने अपने अपने ऑफिस में, अपने दुकान में, अपने मकान में जो भी आप लेंगे स्वागत करेंगे भागवतम सेट को, उनको उनको सब सुविधा मिलती है उससे। प्लीज वो कंटिन्यू कीजिए, जो जिनके पास भागवतम सेट है ने प्लीज एक भागवतम लीजिए, सेट लीजिए, और आज से ये संकल्प कीजिए कि हम रोज कोई कुछ कोई एटलीस्ट 1 या 2 या 3 पेज भागवतम पढ़ेंगे। जय प्रभु, ये बहुत अच्छी बात है। ओके धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण।